जी हम नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की तरफ से आए हैं जो जम्मू में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे को एडमिशन्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो एडमिशन अथॉरिटी है स्टेट की, उसके थ्रू हमें जो सीट्स मिलती हैं वो सफिशेंटली नहीं चल रहा है। उसका जो सिस्टम है काउंसलिंग का या एडमिशन्स का, वो स्मूथ नहीं है। जो इनका पहला राउंड हुआ था काउंसलिंग का, जो बच्चों की एडमिशन्स होती हैं वो जेके बोपे के थ्रू होती हैं हमारे कॉलेजेस में, तो उनका पहला राउंड जून में कंडक्ट किया गया था। तो उस का राउंड के बच्चे हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और उसके बाद जो सेकंड राउंड होना था वो भी दिसंबर शुरू होने वाला है, अभी सेकंड राउंड भी उनका शुरू नहीं हुआ है, जो ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने उसको हो चुके हैं। उसकी वजह से हमारे पास एडमिशन्स नहीं आ रही हैं। हमारे पास 70-70 के बैचेस हैं जिसमें हम 70 स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, बट उसके बावजूद हमारे पास 12-13 से ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं हर साल। पिछले साल हमें 3 सीट्स मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद हमने जो 10 सीटें भरी थी या 10 जो भी था, तो हमारे पास सिर्फ टोटल 13 सीटें अवेलेबल थी हमारे पास आज भरी हुई हैं, जिसकी जो कि 70 कैपेसिटी है हमारे पास। तो अगर कोई 3,000 बच्चा या कोई 17,000 बच्चा फॉर्म भर रहा है एडमिशन्स के लिए स्टेट के अंदर, और सीट्स हैं सिर्फ 450 या 600, तो वो 600 सीट्स भी नहीं भरी जा रही। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टेट में जो बच्चा है एडमिशन्स के लिए काफ़ी अवेलेबल है, बट एडमिशन कॉलेज में बच्चा ले नहीं रहा है या एडमिशन कॉलेज में हो नहीं रही, क्योंकि कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है एडमिशन करने की। उसके बाद भी अगर स्टेट से हमें 13-14 सीटें मिल जाती हैं मान लीजिए, तो उसके बाद भी हमारे को कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप अपनी सीट्स जो बची हैं कॉलेज की वो आप फिल करिए। वो भी हमें उस पर भी हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो भी आप नहीं कर सकते। तो अगर ये हमें 20 सीटें देंगे तो हमें 20 से ही काम चलाना पड़ेगा, जो 20 तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमें 13-14 भी नहीं मिल रही है पिछले 3 साल से। प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन्स की है, तो ये बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह से यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन्स होती हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो पहले वो लोग 1 राउंड करते हैं, 2 राउंड करते हैं, उसके बाद अगर सीट्स खाली बच जाती है हमारे पास, तो कॉलेजेस को अथॉरिटी होती है मैनेजमेंट की सीट्स फिल करने के बाद, ठीक है। सर हम DRD कॉलेज से आए हैं, DRD कॉलेज कठुआ से आए हैं, और बाकी भी सभी नर्सिंग कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठे हैं, नर्सिंग कॉलेज के फार्मेसी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स ही बैठे हैं। तो चीज़ ये है कि और स्टेट्स में जो रेशो है प्राइवेट कॉलेजेस के पास, वो गवर्नमेंट सीट्स की 50% है और प्राइवेट सीट्स की 50%। यहाँ पे वो कोई रेशो मेंटेन है ही नहीं, कॉलेज के पास अपनी मैनेजमेंट कोटा का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारी सीट्स ही उसको स्टेट की तरफ से मिलेगी। तो अगर खुदा ना खास्ता दूसरे स्टेट्स में कॉलेजेस में 50 का बैच है और 25 सीटें फुल हो जाती हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो 25 सीटें अपनी अपनी तरफ से मैनेजमेंट कोटा में फिल कर सकता है। यहाँ पे वो वाला जो एक प्रिविलेज था कॉलेज के पास या जो अथॉरिटी होती थी कॉलेज के पास, वो भी इस साल से उन्होंने बंद कर दिए, जिसकी वजह से स्टेट से तो सीट आ नहीं रही है बट आप खुद से भी नहीं भर सकते। तो अगर आपके पास 70 सीट है या 50 सीट है और आपके पास 13 एडमिशन्स आई हैं सिर्फ स्टेट की तरफ से, तो रिमेनिंग 37 सीट्स या 47 सीट्स आप भर ही नहीं सकते, वो आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। इस बारे में कॉलेज अथॉरिटीज ने काफ़ी बातचीत भी करी है पहले, बट उसके ऊपर कोई एक्शन या अटेंशन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोटोकॉल है अभी तक जो फॉलो हो रहा है, उसमें थोड़ा फेरबदल किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएँ, ताकि वो थोड़ा कॉलेज फ्रेंडली और स्टेट फ्रेंडली हो सके। अभी ये लग रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जो एडमिशन दे रही हैं कॉलेजों को बंद करने के लिए बनी है, जो साफ साफ तौर पे आपको भी लग ही रहा होगा सुनने के बाद, कि अगर 70 सीट्स कॉलेज के पास हैं, 50 सीट्स कॉलेज के पास है, तो 13 सीट्स में वो कैसे फंक्शन करेगा? 13 अगर एडमिशन होंगी सिर्फ, तो कॉलेज कैसे काम करेगा, कैसे फंड्स लेके आएगा, कैसे सैलरी देगा स्टाफ को? उसके जो 20 टीचर्स हैं वो सफर में आ रहे हैं। अगर 20 टीचर हमने रखे हैं, उनको हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसकी वजह से बच्चा भी सफर कर रहा है, जिस बच्चे को आप मान लो 1 लाख में यहाँ पे 1 साल का खर्चा आ रहा है, दूसरी स्टेट्स में उसको 2 लाख देना पड़ रहा है घर से आना जाना उसका, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।